अलीगढ़ में गोंडा रोड स्थित विद्या भारती स्कूल में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर श्री राम मंदिर और अयोध्या की संघर्ष गाथा की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान भगवान श्री राम के विभिन्न रूपों को लेकर पोस्टर प्रदर्शनी की गई। साथ ही भगवान श्री राम को रंगोली के रूप में स्कूल के छात्र छात्राओं ने दर्शाया। छात्रों की बनाई गई प्रदर्शनी को लोगों ने खूब सराहा। लोगों ने कहा कि ये प्रदर्शनी काफी आकर्षित है। छात्र छात्राओं ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से अयोध्या के प्राचीन इतिहास की जानकारी जन सामान्य को मिल सकेगी। साथ ही बच्चों ने कहा कि इस प्रदर्शनी को उन्होंने खूब उत्साह के साथ बनाया। वहीं इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि व श्रद्धालु उपस्थित रहे। 500 वर्षों के गंभीर संघर्ष के पश्चात और आज राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो रही है। 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपादित होगा। उसी के निमित्त पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास का वातावरण बना हुआ है। विद्या भारती के समस्त स्कूलों में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज हम लोगों ने राम मंदिर और राम जी के चित्रों से संबंधित एक भव्य दिव्य प्रदर्शनी विद्या मंदिर में लगाई है। इसका उद्घाटन महानगर के प्रमुख महामंडलेश्वर संतों एवं प्रमुख मंत्रों के महंतों के द्वारा आज सामूहिक रूप से किया गया और बच्चों में बहुत उत्साह का वातावरण है। कल खिचड़ी भोज का आयोजन है मकर संक्रांति के अवसर पर और शहर के 2500 लोग बुलाए गए हैं जो इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। बाद में रंगोली राम रूप सज्जा का कार्यक्रम, पोस्टर मेकिंग का कार्यक्रम, एक शोभा यात्रा का कार्यक्रम और 22 तारीख को जो राम रक्षा स्रोत सुंदरकांड इत्यादि जो कार्यक्रम वो करेंगे और 22 की रात्रि को दीपोत्सव का कार्यक्रम विद्या मंदिर में मनाया जाएगा। विद्या मंदिर ने आह्वान किया है तो ऐसे 100 विद्यालयों में ये कार्यक्रम संपादित हो। सर 22 तारीख को राम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा है तो शहरवासियों को किस तरीके की संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई है। सभी लोग राम जैसे बने और राम का जो चरित्र है उसको सिर्फ सुने नहीं, उसको अपने जीवन में जिए ताकि अपना देश भी राम राज्य में जा सके। सर आज ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, क्या हर साल इसी तरह का कार्यक्रम विद्यालय में रखा जाएगा? देखिए आगे की योजना तो भगवान राम के ऊपर है, वो कैसी आदेश करेंगे और कैसी कृपा हम पर बरसाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि हर साल इस प्रकार के कार्यक्रम मनाते रहें। लेकिन चूंकि ऐसा राम जी का कार्यक्रम है ऐसा कोई आश्वासन तो नहीं दे सकते, बाद बाकी तो राम जी की क्या कृपा होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करें। आज अवलोकन किया गया, देखिए आज विद्या भारती के माध्यम से नए युग की विद्यालय में हमारे कहना चाहिए शिक्षण संस्थानों में एक नई क्रांति का प्रारंभ हो चुका है प्रचंड रूप से। वो इसलिए क्योंकि सनातन युग का प्रारंभ हो गया है। 22 तारीख को श्री राम भगवान जो है अपने घर में वापस लौट रहे हैं। उसी के साथ में हमारे शिक्षण संस्थानों में जिस तरीके की प्रदर्शनी और जिस तरीके के इतिहास को जिसको दबाकर रखा गया, आज प्रदर्शनी के माध्यम से उसको चित्रांकित किया गया है। 500 साल से जिस संघर्ष को हमारे सनातनियों ने लड़ा और अपनी बलिदान और आहुतियाँ दी उसको जागृत करते हुए और बच्चे बच्चों तक पहुंचाने का जो कार्य विद्या भारती के माध्यम से हो रहा है ये अतुलनीय है। और इसी के लिए पूरा प्रबंधन जो है इसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है। मैं आप सभी के चरणों में नमन करती हूँ कि आपने ऐसे शुभारंभ में सनातन युग में शिक्षण संस्थान के माध्यम से ये जो एक नई क्रांति दी है ये निश्चित तौर पर सनातन की क्रांति के नाम से जानी जाए और हमारा आने वाली हर पीढ़ी और हर बच्चा जाने। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि श्री राम मंदिर जो है वो हम लोग सभी सनातनी प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं और हमारे सामने हो रहा है और हमारे आने वाली जनरेशन जो है ऐसे ही और बहुत सी जगहों को जीत करके लेके आए। और अभी तो शुरुआत है, अब तो कृष्ण की बारी है। नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए एटी न्यूज़ इंडिया। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।